हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है फ्रेंड्स। और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंक्लूसिव ऑफ GST कि आप इनवॉइस कैसे क्रिएट करेंगे। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट करके पहले भी अपलोड की हुई है, बट मैं यहाँ पर आज आपको इस वीडियो के अंदर उसके दो तरीके बताऊंगा। एक आप स्टॉक आइटम में भी वैसा कर सकते हैं और एक आप इनवॉइस मोड में भी वैसा जाके कर सकते हैं। इसीलिए मैंने स्पेशली ये वीडियो क्रिएट किया है क्योंकि अभी मेरा ध्यान गया उस स्टॉक आइटम की जो मैं आज आपको बताऊंगा बात, उसके ऊपर मेरा अभी कुछ ही दिन पहले ध्यान गया था। तो मैंने सोचा कि हो सकता है आप लोगों को वो प्रोसेस ईजी लगे, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो फिर से क्रिएट की है। इसके बाद मैं लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा। मैं इसके बाद एक टॉपिक पर डिस्कस करूंगा, आपसे उसमें सजेशन मांगूंगा। आपकी जो सजेशन होगी वो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि हम स्टॉक क्रिएट करते हैं इन्वेंट्री इन्फो में आके, तो जैसे यहाँ पर आ जाइए आप, मैंने एक स्टॉक आइटम क्रिएट करके रखा है, पेन आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कॉन्फिगर में दो ऑप्शंस एक्टिवेट करने होंगे। एक ऑप्शन है आपको यहाँ पर अलाउ MRP मार्जिनल फॉर स्टॉक आइटम, इसे यस करना होगा, और अलाउ इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम, इस दोनों को यस करना होगा। ये एक कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इसमें आपको जो पहला कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ ये अब अलग कॉन्सेप्ट है। मैंने जो पहले बताया था पीछे वाली वीडियो में, उसमें ये कॉन्सेप्ट मैंने नहीं लिया था। ये कॉन्सेप्ट के लिए ही मैंने ये स्पेशल वीडियो क्रिएट की है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको यस करना है। और जो अब मैं इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट बताऊँगा, अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी होगी तो उसमें इस ऑप्शन को यस नहीं करना है। यहाँ पर आप देखिए, मैंने स्टॉक का आइटम का नेम लिख दिया, अंडर प्राइमरी रखा, यहाँ क्वांटिटी डाल दी, और यहाँ पर मैंने GST के अंदर सारी चीज़ें फिल कर दी हैं, आप देख सकते हैं। यह सब तो आपको पता ही होगा, मेरी पिछली वीडियो तो आपने देखी होगी। अब यहाँ पर देखिए, सेट अल्टर MRP डिटेल्स, इसे हम यस करेंगे और ये आपके सामने इस तरीके से आती है। इसमें अलाउ MRP मॉडिफिकेशन इन वाउचर, अगर आप यहाँ यस करेंगे तो आप वाउचर के अंदर भी MRP को मॉडिफाई कर सकते हैं, आपको वहाँ ऑप्शन दिया जाएगा। अगर आप नो करेंगे तो वाउचर के टाइम पर आप उसे मतलब मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे MRP को। और ये कंसीडर MRP फॉर कैलकुलेशन ऑफ GST रेट्स इन स्लैब रेट, यस यहाँ पर हमें करना है यस। उसके बाद हमें MRP फिक्स करनी है। यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलता है, या तो नॉर्मली आप इस तरीके से कीजिए या F12 यानी कॉन्फिगर में प्रेस कीजिए और अलाउ स्टेट वाइज MRP इसे यस कीजिए। और ये ऑप्शन आपको 6.2 में भी है, 6.1 में भी है, और आपको 6.3 जो सबसे अभी लेटेस्ट है इसमें भी है। ये तीनों वर्जन्स में आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है, मैंने चेक कर लिया है। अभी मैं आपको फिलहाल 6.2 में ही दिखा रहा हूँ टेली के। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप एनी रखिएगा तो हर स्टेट में ये MRP वर्क करेगी। अगर आप स्टेट वाइज भी MRP फिक्स कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन है। अभी मैंने जस्ट लाइक मतलब फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ बिहार सेलेक्ट किया हुआ है, और इसे आपको ऑप्शन को एक्टिवेट करना होगा। जैसे कि आपने F12 कॉन्फिगर में जाके एक्टिवेट किया, वैसे ही आपको यहाँ पर भी इज इंक्लूसिव ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस यस, इसे आपको यस करना होगा। अब मैं बताता हूँ इस दोनों जो मैं कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ, इस दोनों में अंतर क्या है। अभी आप देखिए, हम वाउचर्स में आ गए, सेल्स वाउचर में आ गए। यहाँ पर हम इसे आइटम मोड में कर देते हैं। यहाँ पर आप देखिए, मैं कैश ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं वो आइटम ले लेता हूँ। यहाँ पर आपको MRP दिखाई दे रही है, आप यहाँ पर चाहें तो चेंज कर सकते हैं, जो आपने वहाँ पर ऑप्शन में यस किया था के वाउचर में आप चेंज कर पाइएगा कि नहीं। यहाँ पर मैं 10 पीस क्वांटिटी ले लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने वहाँ पर इंक्लूसिव का रेट लगाया था, तो अब मुझे इस वाउचर के अंदर एक ऑप्शन होता है जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, वो ऑप्शन एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। F12 में इंक्लूसिव का एक कॉलम एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये आप देख सकते हैं, नॉर्मली यहाँ पर इस तरीके से आ चुका है। यहाँ पर ऑटोमेटिक जो आपने MRP फिक्स की थी उसमें से GST रेट अलग हो चुकी है, यहाँ पर उसका वैल्यू आ गया है विदाउट GST रेट का। अब यहाँ पर आप जो डिस्काउंट देना चाहे आप डिस्काउंट लिखिए, उसके बाद आप यहाँ पर CGST SGST या IGST जो जिस हिसाब से आप उस हिसाब से लगाइए, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद इसे आप राउंडिंग वगैरह डालकर सेव कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको क्या सीखने को मिला कि इसमें आपको जो F12 से आप सेल्स वाउचर में एक कॉलम लाते हैं इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का, वो कॉलम लाने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टॉक आइटम में भी वही सारी चीज़ें सेट कर दीजिए तो आपको वो लाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर अगर आप MRP का कॉलम चाहते हैं इनवॉइस में तो वो भी ला सकते हैं। जब प्रिंट के समय आप L+P प्रेस कीजिए, जब आपके सामने वैसी विंडो आ जाए तो F12 प्रेस कीजिए,
तो आप प्रिंट का भी ऑप्शन ला सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको एमआरपी का कॉलम दिखा रहा हूँ, आप कैसे लाइएगा। प्रिंट एमआरपी मार्जिनल कॉलम, इसे हम यस करेंगे और यस यहाँ पर आप देख सकते हैं एमआरपी का भी कॉलम आ गया। तो फ्रेंड्स, एक प्रोसेस तो ये हो गया। अब हम सेकेंड प्रोसेस की बात कर लेते हैं। अब हम स्टॉक आइटम के अंदर वो चीज़ मेंशन नहीं करेंगे। जैसे सपोज़ कीजिए मेरा ये स्टॉक आइटम क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं इसमें एमआरपी डाल दूँगा, ये सब चीज़ हम यस करेंगे। एप्लीकेबल डेट डाल देते हैं हम यहाँ पर, एक साथ एनी रख लेते हैं, 400 रुपये एमआरपी डाल देते हैं। बट मैं ये ऑप्शन जो है ना, इसे नो ही रहने दूंगा, इज इंक्लूसिव ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस। मतलब दो तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी प्रोसेस वो है जो अभी मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन किया, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया था। अब देखिए, अकाउंटिंग वाउचर्स में आइए। अब यहाँ पर आपको एक कॉलम मिलेगा, F12 जब प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर अलाउ एंट्री ऑफ रेट्स इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम, इसे यस कीजिए। देखिए, आपके सामने एक कॉलम आ गया, रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। अब यहाँ पर फिर से मैं कैश ले लेता हूँ, क्वांटिटी ले लेता हूँ, 2 PC ली मैंने सपोज कीजिए, नेगेटिव आ रहा स्टॉक, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा परचेज नहीं है। यहाँ पर आप देखिए 345 हो गया, यहाँ पर आपको एक कॉलम आ गया, बट उसमें क्या था, आपके पास वो कॉलम का ऑप्शन नहीं था। अब यहाँ पर भी आप जैसे चाहें तो CGST SGST वगैरह लगाइए, या डिस्काउंट वगैरह देना है तो यहाँ पर डिस्काउंट दीजिए, 20% सपोज दीजिए, इस हिसाब से करके आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही आज प्रोसेस जो मैंने अभी एक पहला प्रोसेस बताया, इसी के लिए स्पेशली मैंने ये वीडियो क्रिएट की कि हो सकता है आपका भी उस चीज़ पर ध्यान नहीं गया हो जैसे मेरा नहीं गया था, तो हो सकता है अब आपके लिए हेल्पफुल और भी ज़्यादा हो जाए ये प्रोसेस। तो आप फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं कि कई लोग जो 6.3 इंस्टॉल कर रहे हैं, जो टैली का सबसे लेटेस्ट वर्जन है, उसमें उन्हें अगर टैली से वो अपग्रेड कर रहे हैं अपने वर्जन को, न्यू वर्जन को, तो बहुत बार उनकी पीसी हैंग हो जा रही है, टैली हैंग हो जा रही है, या कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही है, नेट वापस से कनेक्ट कर रहे हैं तो फिर वापस से ओके हो पा रही है टैली। तो मैं उन्हें ये सजेस्ट करूंगा, क्योंकि कई लोगों की ये कंप्लेन आ चुकी है, कि वो टैली के वेबसाइट पर विजिट करें, वहां से उनका सेटअप डाउनलोड करें और उसके बाद अपने पीसी में उसी ड्राइव में जहां पर पहले से टैली थी 6.2, वहां पर इंस्टॉल करें, तो जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व आउट हो जाएंगी। क्योंकि कई बार होता है अपग्रेड हम करते हैं तो कुछ सेकंड में टैली तो दिखा दे दी, अपग्रेड हो गया, बट नेट स्लो होने के कारण तो कुछ फाइल्स रह जाती हैं जो अपग्रेड होनी बाकी रह जाती है, तो बाद में वो प्रॉब्लम करती हैं, तो आपको इस बात का ध्यान देना है। इसके अलावा कई लोगों को और भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे किसी ने मुझसे पूछा था कि सर, हम इंटर स्टेट अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट, यानी GTA की मैं बात कर रहा हूँ, हम उनसे कोई सर्विसेज ले रहे हैं और हम टैली में एंट्रीज पास कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट GSTR 2 और GSTR 3 भी में कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, मिसमैच में भी नहीं जा रही है, बट लेकिन उसका इफेक्ट कहीं नहीं दिखाई दे रहा है 6.3 में। और कुछ लोगों का तो रजिस्टर्ड के लिए भी यही बात कहना था कि रजिस्टर्ड इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट से हम कोई सर्विसेज ले रहे हैं तो उसमें भी यही फॉल्ट हो रहा है। तो इसके रिलेटेड मैंने एक बनाई थी 6.3 के रिलेटेड, कि आप ट्रांसपोर्ट की एंट्रीज कैसे करेंगे GTA की, तो उसमें मैंने सिर्फ इंट्रा स्टेट का कॉन्सेप्ट लिया था, इंटर स्टेट का नहीं। तो कई लोगों का कहना है कि आप इंटर स्टेट के कॉन्सेप्ट में बनाइए, तो अब मैंने कुछ एंट्रीज इसके अंदर पास की है, मैं आपको दिखाऊंगा 6.2 यूज कर रहा हूँ, मैं वीडियो पाउज करूंगा, पहले मैं इसमें आपको सारा फैक्ट दिखाऊंगा, उसके बाद मैं वीडियो पाउज करूंगा, 6.3 इंस्टॉल करूंगा अपनी PC में, उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि सारा इफेक्ट एज इट है जैसा कि 6.2 में दिखाई देगा आपको। बट यहां पर मुझे भी एक बात की प्रॉब्लम हुई कि अगर हम अनरजिस्टर्ड डीलर यानी अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट से, जो कि इंटर स्टेट की मैं बात कर लूँ, अदर स्टेट से हम कोई सर्विसेज लेते हैं, तो चाहे वो 6.2 हो या 6.3, दोनों में GSTR 2 और GST 3B में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है दोनों वर्जन्स में। तो अब मैं यहाँ पर एक बात आपको सजेस्ट करने के लिए बोलूंगा कि आप लोग 100% अगर कंफर्म हो, चाहे आप अपने CA से पूछिए, लॉयर से पूछिए, क्योंकि यहाँ लॉ की बात है, खाली टैली में एंट्रीज की बात होती तो मैं क्लियर कर देता, मे भी ऐसा लॉ हो कि आप इंटर स्टेट मतलब अदर स्टेट से अगर अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट से कोई सर्विसेज ले रहे हैं, तो सिचुएशन में CGST और SGST की एंट्री मैं करता हूँ,
सपोज कीजिए, अगर मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी एज्यूम करके इंट्रीज करता हूँ तो दोनों में इफेक्ट आता है, बट मैं आईजीएसटी जैसे ले लेता हूँ उसका इफेक्ट दोनों जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3 बी से गायब हो जाता है। तो ये बात हमें तय करनी है कि क्या लॉ के हिसाब से हो सकता है, क्योंकि टैली जो भी चीजें अपने में मॉडिफाई करती है वो लॉ के हिसाब से मॉडिफाई करती है टैली के अंदर। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट से आप सर्विसेज नहीं ले सकते हैं, अगर इंटर स्टेट की मैं बात कर लूँ यानी कि अदर स्टेट की, तो उस सिचुएशन में या तो वो एग्जेम्प्टेड हो या आप ले ही नहीं सकते हैं, या अगर आप ले सकते हैं तो वहाँ सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल हो जाती हूँ। तो मुझे पहले इसके लिए 100% कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए कि आखिर इस तीनों में ये जो भी मैंने अभी बोला ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि नहीं। अगर ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो एंट्री बहुत ही ईजी वे से हो जाएगी, लेकिन अगर आईजीएसटी का कॉन्सेप्ट है और लॉ के हिसाब से भी आईजीएसटी लगना चाहिए तो टैली में प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपने सीए वगैरह से या लॉयर से बात कीजिए, उनसे पूरा कंसल्ट कीजिए। 100% जब आप श्योरिटी के साथ आइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन लिखिएगा कि हाँ सीजीएसटी लगेगी कि एसजीएसटी लगेगी कि आईजीएसटी लगेगी, अगर हम इंटर स्टेट अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट से कोई सर्विसेज ले रहे हैं, और उस हिसाब से तब मैं बताऊंगा और उसमें हम उसकी मतलब आईटीसी क्लेम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप पहले अपने सीए या लॉयर से कंफर्म हो लीजिए। जिन लोगों ने मुझसे ये सवाल किया मैं उन्हें भी कह रहा हूँ कि आप ये बात कंफर्म हो लीजिए, उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपके सीए या लॉयर सबको सजेस्ट करते हैं, उसके बाद मैं इसके ऊपर वीडियो जरूर अपलोड करूंगा उस हिसाब से। अगर मान लीजिए आपके सीए या लॉयर्स बोलते हैं कि आईजीएसटी लगेगी, उस वक्त अगर वैसी बात होती है तो मैं टैली कंपनी से बात करूंगा, जो भी उनकी एरर्स होगी मैं उन्हें बताऊंगा, तो हो सकता है वहां से कोई सॉल्यूशन निकल पाए। तो आपसे मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरी हेल्प चाहते हैं कि मैं एंट्री में आपकी कोई हेल्प करूं, तो मुझे लॉ के रिगार्डिंग कुछ हेल्प चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से कंसल्ट किया है सीए वगैरह से, वो परफेक्ट इसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप भी अपने सीए वगैरह से कंसल्ट करें, क्योंकि आप बड़ी बड़ी बड़े बड़े शहरों में हैं, बड़े बड़े सीए लॉयर से आप कंसल्ट करते रहते हैं। तो हो सकता है 10 लोग नहीं कर पाए, लेकिन मेरे चैनल के साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं और वो मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी एक हेल्प से दूसरे की हेल्प हो सकती है, तो आप प्लीज़ अपने सीए या लॉयर से कंसल्ट करें। इसीलिए मैंने कहा था कि आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अब फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ इफेक्ट। यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 4 एंट्रीज पास की हैं, इसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट लिया। मैं अभी एंट्रीज वगैरह नहीं दिखाऊंगा, ये जब अगर आप कंफर्म कर दीजिएगा तो मैं उसके बाद इसका पूरा वीडियो ही आपको बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। अभी फिलहाल मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसमें मैंने 2 इंटर स्टेट के लिए हैं, जिसमें एक रजिस्टर्ड एक अनरजिस्टर्ड है, और 2 ट्रांसपोर्ट्स मतलब एक एक ट्रांसपोर्ट्स इंट्रा स्टेट का लिया जिसमें एक रजिस्टर्ड एक अनरजिस्टर्ड है। आप देख सकते हैं टोटल 4 एंट्रीज मैंने पास की हुई है, और सब में मैंने जो एग्जम्पशन लिमिट है 750 की, उससे क्रॉस अमाउंट सब 1000 रुपये का है। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये मैं अभी 6.2 की बात कर रहा हूँ टैली की, 6.3 के ऊपर भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा इंस्टॉल करके। आप देखिए जब मैं यहाँ पीरियड सेलेक्ट करूंगा तो इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पर 1000 जो अमाउंट है वो मिस हो रहा है, टोटल वहाँ 4 एंट्रीज थी, 4000 अमाउंट होना चाहिए था, यहाँ पर वो मिस कर रहा है। 200 रुपये होना चाहिए था रिवर्स चार्ज, वो मिस हो रहा है। मैंने यहाँ पर उसकी रिवर्स चार्ज की एंट्रीज पास करके रखी है, यानी लाइबिलिटी वगैरह बुक करके रखी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं लाइबिलिटी बुक है, बट लेकिन यहाँ पर पूरे 4000 पे बुक नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 3B की, तो यहाँ पर भी मैं दिखा देता हूँ और यही इफेक्ट आपको दिखाई देगा 6.3 में भी। हम डिटेल्स में आ जाते हैं, आप देखिए कई लोग बोल रहे थे कि 3 में नहीं आ रहा है ये ऑप्शन, GST 3B में, 4 में नहीं आ रहा, तो ये सब आप देख सकते हैं यहाँ सारे ऑप्शंस आ रहे हैं 6.2 में। अब मैं 6.3 इंस्टॉल करूंगा, उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये सारे ऑप्शंस जो आपको एज इट यहाँ पर है वहीं वहां पर भी आ रहे हैं। बट मुझे सिर्फ एक ही जगह प्रॉब्लम हो रही है कि अगर हम इंटर स्टेट अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट से कोई सर्विसेज ले रहे हैं और IGST हम लगा रहे हैं तो उस सिचुएशन में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। बस वही बात मुझे एक बार कन्फर्म करनी है कि लॉ के हिसाब से क्या होना चाहिए, तब मैं टैली के ऊपर एंट्रीज करके आपको दिखा दूंगा परफेक्ट वे से। अब रही बात, एक और बात है जो मैं आपको 6.3 में दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि 6.3 में आपको कॉलम्स आ जाएंगे सीजीएसटी एसजीएसटी वगैरह के इनवॉइस में, जो कि टैली की तरफ से दिया गया है सेटिंग आइटम वाइज, तो उसमें मैंने लैंडस्केप का दिखाया हुआ था बिल। अब मैं पोर्ट्रेट का बिल दिखाऊंगा, क्योंकि कई लोगों की कंप्लेन आ रही थी कि हमें पोर्ट्रेट में चाहिए तो उसके हिसाब से बिलिंग दिखाइए। तो मैं उन लोगों के लिए, ऐसे तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, लेकिन उन लोगों के लिए स्पेशली मैं वो भी चीज आपको दिखा देता हूं इसी वीडियो के अंदर।
जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने 6.3 इंस्टॉल कर लिया, लेकिन मैंने जो भी पोर्ट्रेट की बात की वो हो नहीं पा रहा है। मुझे लगा था कि हो जाएगा, बट वो लैंडस्केप में ही आ रहा है। इतनी मतलब उसमें कॉलम्स हैं जिसके कारण वो पोर्ट्रेट में हो नहीं पा रहा है। तो उसके लिए सॉरी, मैंने जो बाई मिस्टेक आपसे कह दिया। बट यहाँ पर अब आप बात को मैं दूसरे तरफ ले जाता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने बात की थी GTA की, तो यहाँ पर एंट्रीज वही हैं जैसे कि एज इट वहाँ पर आपको दिखाई दे रही थी 6.2 में। वही एंट्रीज यहाँ पर भी मैंने पास करके रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर में 4 एंट्रीज है, उसके नीचे तो लाइबिलिटी बुक की एंट्रीज है, वहाँ पर डेट नहीं थी, इसी कारण आपको ये दो एंट्रीज नहीं दिखाई दे रही थी। पीरियड मैंने नहीं सेलेक्ट किया था, आप देख सकते हैं वही एंट्रीज है। अब यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको स्टेचू रिपोर्ट्स, GST 2 पीरियड हम सेलेक्ट कर लेते हैं 1/12 to 31/12। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी वही इफेक्ट है जो आपको वहाँ पर इफेक्ट दिखाई दे रहा था, जैसा कि मैंने आपको वहाँ दिखाया था एज इट, वही इफेक्ट यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है GST 2 में। अब GST 3 भी की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी देखिए, सिर्फ यहाँ पर एक डिफरेंस है जो मैंने अभी गौर की दिखाते वक्त। वहाँ पर आपको यहाँ पर पूरा का पूरा 150 रुपये आ रहा था, याद होगा आपको, उसमें मैंने जब दिखाया था यहाँ 150 रुपीज़ आ रहा था इस जगह पे, और यहाँ पर ये यह अमाउंट नहीं आ रहा था। जो अभी यहाँ पर अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है, अमाउंट नहीं आ रहा था 6.2 में, यहाँ पर सीधे सिर्फ 150 रुपीज़ करके दिखाई दे रहा था माइनस में, और यहाँ पर वो जो 2,000 रुपीज़ है अमाउंट नहीं आ रहा था। और वहाँ पर पूरा जो इंटर स्टेट रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट है उसका भी यहाँ पर एलिजिबल ITC शो कर रहा था, बट यहाँ पर 6.3 में वो नहीं दिखाई दे रहा है। ये बात एक मैंने अभी यहाँ पर ये नोटिस की कि यहाँ पर वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अनरजिस्टर्ड की मैं बात करूँ तो वो 2 6.2 की बात कीजिए या 6.3 की बात कीजिए, दोनों ही केसेस में नहीं दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको चाहिए, आपको भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो सके, तो प्लीज़ मुझे लॉ से रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने अभी आपसे वीडियो में बोला कि अनरजिस्टर्ड जो ट्रांसपोर्ट्स हैं उनसे जो हम सर्विसेज लेते हैं, अगर वो इंटर स्टेट यानी अदर स्टेट में है तो सिचुएशन में क्या लगेगा, IGST लगेगा, CGST लगेगा, ये आप एक बार क्लियर कर लीजिए। और उसमें ITC हम क्लेम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये एक बार आप क्लियर कर लीजिए। और फिर रजिस्टर्ड के लिए भी थोड़ा बहुत क्लियर कर लीजिए, तो मुझे मतलब परफेक्टली पता चल पाएगा कि क्या टैली की तरफ से ये फॉल्ट है 6.3 में, या कोई लॉ में चेंजेस हुए हैं अभी हाल में ही, या तो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि लॉ में कुछ चेंजेस हुए हों उसी के रिगार्डिंग टैली ने इस तरीके से अपडेट किया हो। तो प्लीज़ आप एक बार अपने CA या लॉयर से कन्फर्म कीजिए, उसके बाद मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। तो मैं अपने तरफ से भी कोशिश करूंगा CA या लॉयर से और भी ज़्यादा कंसल्ट करने की, लेकिन आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी कीजिए, अपनी मुझे सजेशंस दीजिए, तो मैं उसके हिसाब से एक अच्छी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर पाऊंगा। क्योंकि अगर मैं अभी अपलोड कर दूं तो वो फिर हो सकता है कि आपको इनकम्प्लीट वीडियो लगे और 100% आपको उससे रिजल्ट ना मिल पाए। तो इसीलिए मैं अभी कुछ दिन वेट कर रहा हूं आप लोगों की सजेशंस के लिए। आप लोग मेरे इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है और आपने मेरी बात सुनी है, तो आपसे प्लीज़ फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी सजेशन जरूर दीजिएगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।